पकड़ो भाई, हाँ यार एक बार में ही ले लो। सर इधर आ जाओ, इधर पानी का झटा सा कैमरा कर ले इधर। अरे ले आओ अमित, आराम से भाई 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 भाई, कल ही सुन, आराम से आराम से आराम से। हमें तो हम करते हैं साइड से, तो ना पीछे कर दीजिए। हां चलो सर, सत्र लगातार बाधित हो रही है, कई ऐसे मुद्दे हैं, थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, आईडी पीछे करिए। सरकार के ऊपर हमलावर नजर आ रहे थे। अरे भाई नहीं दिख रहा है, लग जाएगा, लेकिन सब लोग आ गए ना। आईडी नीचे कीजिए, आईडी नीचे कीजिए, आईडी नीचे कीजिए। आज आप सब लोगों ने अखबारों में भी देखा छपा है, कल एक विधायक की कॉपी प्रसारित किया है। वो विधायक है झारखंड प्रतियोगी परीक्षा, भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम एवं निवारण के उपाय विधेयक 2023। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये विधेयक अगर आप पढ़ेंगे पूरे कॉपी को तो फिर समझ में आएगा। ये वही कहावत चरितार्थ है, जैसे गांव में किसी के घर में चोर घुस आए और घर के मालिक जब जग जाते हैं, वो चोर चोर की आवाज़ लगाते हैं, चोर दौड़ने लगता है, गांव के लोग भी चोर को पकड़ने के लिए दौड़े पड़ते हैं, तो चोर फिर अपने को बचाओ में आने के लिए वो भी चोर चोर चिल्लाता है, और उल्टे शरीफ आदमी को ही पकड़ करके और चोर चोर कह करके पीटना शुरू करते हैं। इस विधेयक का भी वही हालत है। आप सब लोगों को पता है कि इस झारखंड प्रदेश में पिछले जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो उन्होंने लंबी चौड़ी घोषणाएं की थी कि एक साथ हम कितना जेपीएससी का एग्जाम लेंगे, प्रत्येक साल करेंगे। और आप सबको ध्यान में होगा, पिछले बार जब जेपीएससी का एग्जाम हुआ तो पहली तो उन्होंने रिजल्ट में बड़ी घपला किया, सीरियल से काफी बच्चों ने पास किया था। जब ये पता चला कि इसमें गड़बड़े हुई है, लोगों ने आवाज उठाया, नौजवानों ने आवाज उठाया, आंदोलन किया। पहले तो सरकार नकारते रहे और बाद में फिर सरकार ने उसको स्वीकारा, कई एक नाम को हटाया, फिर गड़बड़ी तो वैसे ही बनी रही, क्योंकि विज्ञापन में जहां वो लिखा हुआ था ओमर सीट को जारी करने की, वो आज तक उस सीट को भी उन्होंने जारी नहीं किया। और इतना ही नहीं, पिछले दिनों जब जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हुआ उस समय भी बड़ा घपला हुआ। पहले वो मानती नहीं है, जब लोग आवाज उठाते हैं तो लोग फिर गलती को स्वीकार करते हैं। आप सब लोगों को ध्यान में है कि जब जब वैकेंसी निकला है, वैकेंसी के निकला और उस पीरियड में कई एक बार संशोधन भी निकले, और जिस कारण से कई एक जीपीएससी को हाईकोर्ट से भी निरस्त कर किया गया, जांच हुआ, ये चल रहा है, अभी भी मामला ऐसे ही है। और उस बीच सरकार ने ये जो विधेयक लाया है, इस विधायक तो मानो की आवाज को दफन कर देना, क्योंकि इस विधायक में कई एक ऐसे चीजें उन्होंने डाला है कि भाई कोई भी अगर उस गड़बड़ी का आवाज उठाएंगे तो 100 केस कर देंगे, जेल में डाल देंगे, 10 साल तक की सजा भी होगी, करोड़ों रुपया की जुर्माना भी होगी। तो आप समझ सकते हो, यानी ये बिल जहां एक और राज्य सरकार जो इस झारखंड की जनता व आंदोलन कर रही है, यहाँ के लोग वो जानना चाहती है भाई सरकार की स्थानीय नीति क्या है, नियोजन नीति क्या है, ये सरकार बताने को तैयार नहीं है। एक भी एग्जाम हेमंत सोरेन की सरकार में कोई क्लियर हुआ नहीं, ठीक से सब में गड़बड़ी रहा, और उसके बाद कानून बना रही है ताकि बच्चों की भविष्य को और बर्बाद करना, और झारखंड की जो सर्विस है
इस कानून से ये दिखता है कि वो सब के सब ये बेच डालेंगे भ्रष्ट अफसर मिल करके, क्योंकि पिछले दिनों जो 26,000 की भी जो वैकेंसी बना है उस वैकेंसी को बेचने की ये तैयारी है ताकि उसका कोई विरोध नहीं करे, इसलिए इस बिल को लाया गया है। भारतीय जनता पार्टी इस बिल का सदन में भी विरोध करेगी और सड़क पर भी विरोध करेगी, पुरजोर विरोध करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये तरह का काला कानून है आप? अरे काला कानून है तभी तो विरोध कर रहे हैं भाई। मैंने तो आपको बताया, इतना बैकग्राउंड आपको बताया कि किस प्रकार से इस सरकार में ये गड़बड़ी होते रही है। अब उस गड़बड़ी के विरोध में छात्र आवाज उठाते रहे, तो आवाज को ही ऐसा दबा दिया जाए ताकि फिर आवाज उठे नहीं और पूरे 26,000 सीट वो सब मिलजुल करके लोग बेच दे। थैंक यू सर। सर सुखाड़ को लेकर प्रदर्शन अभी बारिश हो रहा है, सुखाड़ को लेकर के हम लोग मांग कर रहे हैं, शायद इंद्र ने सुन लिया है या हेमंत सरकार तो सुन नहीं रही है। केंद्र ने जो पहले